स्कॉटलैंड की धरती से पहली बार होने जा रही हैं तीन पंज दरिया दिया। इक्की अगस्त दिन शनिवार को दोपहरे 3 to 7 PM तक बजूगी ताड़ी ते ताड़ी। इस मौके प्रसिद्ध फिल्म कलाकार भाना भगौड़ा, बीबी भानो, अदाकारा ते गायिका हरमीत जस्सी भी मेहमान वजो शामिल होंगे। जी हाँ, तुसी सुन रहे हो रेडियो पंज दरिया, पंज दरिया। पंज दरिया, पंज दरिया। जी दोस्तों, निंदर कु ज्ञान भी वालों सत श्री अकाल करो प्रवान। खबरां दे पहले हिस्से च तुहाडा स्वागत। सब तो पहला अफगानिस्तान दे ताज़ा हालातों ते एक विशेष रिपोर्ट। अमरीका ने अज आख्या कि कौन कौन रोज़ अपनियां फौजां अफगानिस्तान भेजे ते अपनियां पीढ़ियां दा खात्मा करवाए। अमरीका दे कौमी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलवन ने कहा है कि अफगानिस्तान दियां सुरक्षा फोर्सां नूं दित्ते गए हथियार अफगानिस्तान दे विच तालिबान ने जब्त कर लए ने। तालिबानी लड़ाकियों वालों अफगानिस्तान ते कब्जे नूं 2-3 दिन हो चुके ने, पर पिछले 48 घंटे किसी हॉलीवुड फिल्म तो कट नहीं जा पे। इस दौरान जिथे दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही हैं, उत्थे तालिबानी लड़ाकियों दियां जिम ते मनोरंजन पार्कों च मौज मस्ती करदियां दियां वीडियो भी सामने आईयां ने। काबुल हवाई अड्डे उत्ते लगी भीड़ ते किसी भी कीमत ते मुल्क तो बाहर निकलने लोगों बेचैनी तो एक गल तो साफ है कि तालिबान की हुकूमत विच जिंदगी आसान नहीं होगी। तालिबान के अफगानिस्तान उत्ते काबज होने मगरों काबुल विच ड्रैस कोड भी बदल गया है। ज़्यादातर व्यक्ति सलवार कमीज़ों च नज़र आने लगे ने। जीन्स ते टी शर्ट पाई कोई विरला दिखता है, जबकि एक हफ्ते पहला यह पहरावा आम सी। पिछले एक हफ्ते दौरान औरतों की मौजूदगी लैके वड्डी तब्दीली आई है। काबुल च पिछले दिनों दौरान जीन पाई औरतों काबुल दियां सड़कां ते वेख्या जा सकता सी, जिहड़ियां हुण सिर ते नाकाब हिजाब ते बुरके च नज़र आने लगियां हैं। तालिबान ने हालांकि वादा किया है कि किसी खिलाफ़ कोई हिंसा नहीं की जाएगी, पर काबुल विच रहिंदे लोग हर कदम फूक फूक के रख रहे ने। क्लीन शेव ते तालिबानी लड़ाके काबुल दियां सड़कां ते सुरक्षा वाहनां ते मोटरसाइकलां ते आम घूमदे दिसदे है। इन्हां लड़ाकियों ने अफगान पुलिस ते सुरक्षा बलों दी ड्यूटियां भी सांभ लईयां। अमरीकी अंबैसी जो हुण खाली है उत्थे आहते दे विचले गेट ते हथियारबंद तालिबानी तैनात किए हुए ने। काबुल तो खबरों अनुसार अमरीका ने अपने 3,000 तो वध अफगान नागरिकां जिन्हां विच पुरश औरतां ते बच्चे शामिल है उन्होंने फौजी जद्दां ते भा के काबुल तो सुरक्षित बाहर कढ़िया है। सोशल मीडिया ते नशर तस्वीरां च अफगान नागरिक हत्थां च समान चुकी कुछ बच्चों चुकी जहाज़ विच दाखिल होंदे दिखाई दिते ने। आस्ट्रेलिया दे सिडनी तो खबरां, तालिबान दे अफगानिस्तान उत्ते कब्जे मगरों पैदा होए सियासी संकट दौरान मुसीबत मारे अफगानियों दे हकां लई मनुखी अधिकार जथेबंदियां हक दा नाँ मारा मारन वास्ते मूहरे आईयां हैं। उन्होंने नारा मारदियां अफगानिस्तान दे नागरिकां नूं तरस दे आधार ते शरणार्थी वीज़ा देण दी मंग कीती है। अमरीकी फौजां दे अफगानिस्तान चों बाहर निकलदे ही एक हफ्ते अंदर पूरे मुल्क ते काबज होए तालिबान ने पूरे देश नूं माफ़ करन दा ऐलान कीता है। इस दे नाल ही तालिबान ने औरतां नूं अपील कीती है कि नवीं सरकार दा हिस्सा बन। काबुल हवाई अड्डे उत्ते मुल्क दे बाहर निकलने तरलो मची हो रहे फिक्रमंद लोगों नूं तालिबान ने अपने बदल जाण दा भी भरोसा दिता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अफगानिस्तान च फसे कश्मीरी प्रोफेसरां नूं रिहा कराउण दा मुद्दा केंद्रीय विदेश राज मंत्री दे कोल चुकिया और मुरलीधरन मंत्री ने भी भरोसा दवाया कि छेती प्रोफेसर लियांदे जाणगे। सीनियर तालिबानी आगू आमिर खान मुताकी अफगानिस्तान च सरकार दे गठन लई गैर तालिबानी सियासी आगूआं जिन्हां च अब्दुल्ला ते साबका अफगान सदर हामिद करजई भी शामिल है उन्हां दे नाल गलबात लई काबुल पुज गया। नवी दिल्ली तो खबरां, भारत ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के मद्देनज़र उत्थे फसे ते भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों हंगामी ई वीज़े जारी करने का ऐलान कर दिता है।
खबर लुधियाने तो अफगानिस्तान ते तालिबान का कब्जा होने मगरों लुधियाना के सनअतकारां नूं करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया जबकि 10 तो 15 करोड़ रुपए का माल तैयार हो रहा है। उंज सनअतकारां ने लगातार अफगानिस्तान के व्यापारियों नाल संपर्क रखिया सी। लुधियाना च निफ्टी फेयर क्लब के चेयरमैन थापर ने दस्सिया कि अफगानिस्तान उत्ते हमले कारण लुधियाना के सनअतकारां का काफ़ी वड्डा नुकसान होया है। पहला कोरोना कारण सारा कारोबार ठप्प सी, हुण अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे कारण लुधियाना के सनअतकारां का 50 करोड़ का नुकसान होया है। उन्होंने कहा कि सनअतकारां ने तैयार माल सितंबर च अफगानिस्तान भेजना सी, परंतु हुण उत्ते माहौल खराब होने कारण काफ़ी निराश ने। एडवांस पेमेंटा भी उन्होंने आ चुकी हैं। खबर चंडीगढ़ तो अफगानिस्तान च पैदा होए सियासी संकट मगरों पंजाब दीयां विद्यक संस्थावां च पढ़ाई कर रहे अफगानी विद्यार्थी अपने परिवारों नूं लैके फिक्रमंद ने। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना च पढ़ रहे अफगानिस्तान के नूर अली नूर ने कहा, पिछले कई दिनों तो साड़ी रातों की नींद उड़ गई है, साडे परिवार हुण तक सुरक्षित तो है पर देश च वापरियां घटनावां तो भयभीत ने। 250 के लगभग अफगानी विद्यार्थी पंजाब दीयां वख-वख यूनिवर्सिटियां विच पढ़ रहे ने। कुछ विद्यार्थी कोरोना कारण अफगानिस्तान विच चले गए सन, जिहड़े इधर ने उन्हां नूं अपने घरदियां दी चिंता बार बार सता रही है। इस अफगानिस्तान के ताज़ा हालातों बारे निंदर कुगयानवी की एक विशेष रिपोर्ट। खबरों का दूजा हिस्सा एक वक्फे तो बाद पेश करा। स्कॉटलैंड की धरती से पहली बार होने जा रही हैं तीन पंज दरिया दियां। इक्की अगस्त दिन शनिवार को दोपहरे 3 to 7 PM तक बजूगी ताड़ी ते ताड़ी। इस मौके प्रसिद्ध फिल्म कलाकार भाना भगौड़ा, बीबी भानो, अदाकारा ते गायका हरमीत जस्सी भी मेहमान वजो शामिल होणगे। दोस्तों निंदर कुगयानवी तो खबरों का दूजा हिस्सा सुनो। खबर नवी दिल्ली तो ब्रिटिश एयरवेज़ ने भारत ते यूके विचाले उड़ाणा की गिनती वधा दी है। एयरलाइन मुताबक 16 अगस्त तो उड़ाणा की गिनती प्रति हफ्ता 10 तो वधा के 20 होई है। एयरलाइन ने दस्सिया है कि यूके ने भारत नूं उड़ाणा उत्ते पाबंदी वाली लाल सूची चों बाहर कर दिता है, इसलिए हुण उड़ाणा की गिनती वधाई गई है। भारत सरकार ने यूके नूं 34 उड़ाणा हर हफ्ते चलाउण की प्रवानगी दिती है। एयरलाइन हुण 20 सीधियां उड़ाणा लई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद तो लंडन लई चलाएगी। कोरोना के हालातों पर गल करिए तो नवी दिल्ली तो रिपोर्टा अनुसार देश में कोरोना वायरस तो 150 दिन मगरों कुछ राहत मिली है। पिछले 24 घंटे दौरान COVID-19 के 25,166 मामले कल आए सन, अज 35,000 तो वध मामले आए हैं और 24 घंटे में भारत में 440 लोगों की मौत हो चुकी हैं। नवी दिल्ली तो रिपोर्टा अनुसार भारत ने 16 अगस्त को 88.13 लाख तो वध कोविड वैक्सीन लाए है। एक दिन में सब तो वध टीकाकरण है। एक ट्वीट में सेहत मंत्री ने दसिया कि यह दुनिया के इतिहास में एक दिन सब तो वध टीकाकरण वाले दिन वजो दर्ज हो गया है। हुण तक कुल 55.47 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने दी खबरां ने। चंडीगढ़ तो रिपोर्टा अनुसार कोरोना कारण पंजाब के तरन तारण ते हरियाणा के रोहतक च एक एक जने की मौत हुई है। इस नाल पंजाब च कोरोना मृतकों का अंकड़ा 16,345 ते हरियाणा विच 9,661 ते अपड़ गया। अज अमृतसर साहब विच अमृतसर च कोरोना के 5 केस होने दी खबरां आ रही हैं। लाहौर तो शर्मनाक कारे की खबर आ रही है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान को सैकड़े लोगों ने एक लड़की नूं घेर के उस नाल जिनसी अश्लील हरकतां कीतियां। इस घटना ने पाकिस्तान नूं पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिता है। लगभग 400 लोगों की भीड़ ने एक आयशा नाँ की लड़की जो टिकटॉक बना रही थी उस नाल अश्लील हरकतां कीतियां उस नूं घेरिया ते उसकी कुटमार भी की है। पुलिस ने 4 अणपछाते लोगों विरुद्ध परचा दर्ज किया है। खबर चंडीगढ़ तो आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज अपने 2 पत्रकार मीडिया सलाहकार नियुक्त कर दिते है। इन्हां विच सुरेंद्र डल्ला ते जगतार सिद्धू के नाम भी शामिल ने। खबर संगरूर तो 20 अगस्त को लौंगोवाल विखे पुजन वाले नेतावां दा किसानां वालों तिखा विरोध किए जाण दा ऐलान कर दिता गया है।
अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल वालों 100 दिनों की यात्रा शुरू की है। सुखबीर बादल ने अपनी यात्रा का नाम गल पंजाब की रखी है, जो जीरा नेड़े पिंड पड़ाणा तो शुरू की गई। किसानों ने जम के सुखबीर बादल की यात्रा का विरोध किया। मानसा के बरेटा तो खबर इलाके में पिछले समय दौरान छत फौत हुए श्रोमणी अकाली दल नाल संबंधित वर्कर ते होरना समाजिक कारकुनां दे परिवारां दा दुख सांझा करन पुजी केंद्रीय सबका मंत्री बीबी हरसिमरत कौर बादल दे किसानां वल्लों विरोध किए जाण दीआं खबरां ने। बुढलाडा तो खबर पिंड बरे विच पार्टी वर्कर दे परिवारक मैंबर दी मौत ते दुख सांझा करन आई बीबी हरसिमरत कौर बादल नूं पिंड दे लोकां वल्लों तिखे विरोध दा सामना करना पिया ते पिंड विच दाखल नहीं होण दित्ता गया। खबर जलंधर तो श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू तो सबका विधायक सरबजीत मक्कड़ ने पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल नाल विश्वासघात करन दे दोष लाए है। उन्हें सियासी कतल करन दा भी दोष लाया। अकाली आगू मक्कड़ ने यह टिप्पणी कांग्रसी आगू जगबीर बराड़ नूं श्रोमणी अकाली दल विच शामिल करन ते जलंधर छावनी उन्हां दी टिकट तो उम्मीदवार ऐलाने जाण मगरों की है। नवी दिल्ली तो खबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सियासी चोणां च इको प्रधान की अगवाई थले रजिस्टर्ड खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सियासी पार्टी की मानता नूं रद्द करन लई जागो पार्टी यानी मनजीत सिंह जी के वालों भारतीय चोण कमीशन च पटीशन दायर की गई। खबर तरन तारण तो आ रही है, भाजपा के सबका मंत्री अनिल जोशी वालों 20 अगस्त को अकाली दल में शामिल होने दी छपियां खबरां बिल्कुल सच साबित होने का स्पष्ट संकेत दिंदियां। जोशी ने अपने समर्थकों नाल मीटिंग करके 20 अगस्त को अमृतसर च किए जाने वाले इकट्ठ च शामिल होने लई लामबंदी शुरू कर दिती। समझा जा रहा है कि जोशी उस दिन अमृतसर च वड्डा इकट्ठ करके शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी है। इस इकट्ठ में अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पहुँचने वास्ते भी हरी झंडी दिती है। खबर चंडीगढ़ तो पंजाब के संघर्षी अखाड़ों तो दिल्ली के मोर्चा च हाज़री वधाउण की रणनीति बनाउण दा ऐलान किया गया। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां वल्लों भाजपा नाल संबंधित आगूआं रेलवे स्टेशनां पार्कां टोल प्लाजियां अंबानी ते अंडानी के टिकाणियां पेट्रोल पंपां आदि 125 तों वध थावां ते चलले धरनियां दौरान बुलारियां ने हर हफ्ते दिल्ली नूं किसानां दे वड्डे जथे भेजण दा ऐलान कर दित्ता है। निंदर घुग्यानवी तो खबरों का दूजा हिस्सा सुन रहे सी। अज दीआं खबरां इत्थे मुक्तियां दिओ, इजाजत कल मिलदे आं।